moving through the shadows in the corners of your mind. वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब टेस्ट ड्राइव अवेलेबल होगी थंडरबर्ड एक्स की, तो मैं ज़रूर जाऊंगा उसकी टेस्ट ड्राइव लेने। तो अभी हम मंजिल मोटर्स जा रहे हैं गुड़गांव वाले शोरूम में रॉयल एनफील्ड के, डायरेक्ट जाकर वहाँ पर लेते हैं एक टेस्ट ड्राइव। तो दोस्तों स्टैंडर्ड 350 है मेरे पास, काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ, तो अच्छी तरह से मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि डिफरेंसेस क्या होंगे इस बाइक में एंड उस बाइक में। बाकी जो डिज़ाइन में डिफरेंस था वो सारे डिफरेंस मैं अपने दूसरे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो थंडरबर्ड एक्स सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर राइट हैंड साइड में आए है, आए पे क्लिक कीजिए और आप वो वाला वीडियो भी देख पाएंगे। दोस्तों अभी जाते हैं, बात करेंगे कम्फर्टेबिलिटी की एंड चलाने में क्या फ़र्क है, क्या इसके हैंडल बार्स और जिसकी मेमोरी फोम है इससे कुछ फ़र्क पड़ा है चलाने में, या फिर वही सेम फीलिंग आती है जो थंडरबर्ड स्टैंडर्ड में आती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको बाइक ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए उस पर। तो देखते हैं कि इसमें जो प्राइस है, मैं देख रहा हूँ ऑन रोड प्राइस जो है, काफ़ी डिफरेंस है ऑन रोड प्राइस में। तो वहाँ पे जाके हम बात करते हैं इनके सेल्समैन से एंड बताता हूँ मैं आपको कि कैसा रहेगा, एंड एक छोटी सी राइड भी लेके देखते हैं। पहुँचने वाले हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मंजिल मोटर्स वाले गुड़गांव में। बस आ गया, जी। तो ये है हमारा रॉयल एनफील्ड का शोरूम एंड अंदर हम आ चुके हैं थंडरबर्ड एक्स सीरीज़ के बाइक देखने। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे आके पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, कि 350 सीरीज़ में जो एक्स सीरीज़ आई है उसमें सिर्फ ये वाला रेड कलर और एक वाइट कलर जिसकी मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा, यही दोनों अवेलेबल है। और 500X में ऑरेंज वाला और ब्लू वाला अवेलेबल है, ठीक है। पहले मुझे नहीं था ये पता चीज़, अब मुझे पता चली है। और हाँ, एक और चीज़, इसमें बैक रेस्ट भी अवेलेबल है, अगर आप किसी को बैक रेस्ट चाहिए तो इसमें बैक रेस्ट भी लग जाता है, ठीक है। तो आइए लेते हैं एक छोटी सी राइड एंड उसमें पता लगाते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें एंड स्टैंडर्ड 350X में। बैठने से ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है। तो दोस्तों इसका जो हैंडल है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आप स्टैंडर्ड 350X चला रहे हैं, बहुत डिफरेंट हैंडल है, सीधा है बिल्कुल, ठीक है, ऊपर की तरफ है। अब ऊपर की तरफ से मतलब ये नहीं है कि आपको क्लासिक और बुलेट की फील आएगी इसमें, ऐसा नहीं है। आपको फील इसमें एक क्रूज़र की ही फील आएगी, बट एक ओरिजिनल क्रूज़र की फील वैसे आपको इसमें ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो पुराने वाले डिज़ाइन के स्टैंडर्ड थे वो वाले बाइक होते थे जो अंडरटेकर टाइप के, जो अंडरटेकर चलाता था पहले बाइक, आगे से थोड़ा सा नीचे निचली तरफ को ग्राउंड को मूव होता था उनका। पर ये क्या है, ये सीधा है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा, आपको अच्छी फील आएगी। अच्छी फील क्यों आएगी, क्योंकि अगर आपका थिन रोड्स है या फिर आप स्ट्रीट्स में चलाते हैं तो उसमें इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाले से, ठीक है। या तो ये नया बाइक है इसलिए, या तो इसके टायर्स नए हैं इसलिए, पर आई डोंट नो द रीज़न, बट अच्छी ब्रेक्स लग रही है इसमें, ठीक है। मैं खड़ा होके भी देख लेता हूँ एक बार बाइक पे कि कैसी फील आ रही है। खड़ा होने में भी आसानी हो रही है दोस्तों मुझे इस बाइक पे। वो खड़ा होने में आसानी मुझे इसलिए हो रही है बाइक पे क्योंकि इसका जो हैंडल है, हैंडल बिल्कुल सीधा है, उसकी वजह से हाथ बिल्कुल सही पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे को अपने वाले में भी आदत पड़ गई हुई है, मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें फील होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी राइड के मज़े लेते हैं, पर यहाँ पे मज़े लेने के लिए हाईवे है और हाईवे में लेके नहीं जा सकता बाइक, एंड अंदर ही अंदर मुझे घुमाना पड़ रहा है स्ट्रीट्स में। पर यह है कि चलो एक अच्छी चीज़ दी है इन्होंने इसमें। बात करते हैं प्राइस की, तो जब मैंने इनसे प्राइस पूछा तो इन्होंने मुझे ऑन रोड प्राइस बताया है इसका 170,658।
350 वाली सीरीज का, और यहीं पे अगर 350 सीरीज की आप नॉर्मल थंडरबर्ड की बात करोगे तो वो 1,64,000 तक का आ जाएगा। मतलब आप ये समझ के चलिए कि 6,000 से 7,000 रुपये का डिफरेंस। मेरे भाई जब अगर आपको वहाँ पे एलॉय व्हील्स भी लगाने होते हैं तो अच्छे वाले एलॉय व्हील्स 10,000 रुपये के अंदर है। तो मेरे हिसाब से आपको तो इसके साथ जाना चाहिए, एक सीरीज़ के साथ, ठीक है। वहीं बात करें 500 cc की, ठीक है, तो 500 cc में जो नॉर्मल थंडरबर्ड है वो पड़ेगा आपको 2,00,000 तक का, 2,08,000 तक का, एंड ये आपको पड़ेगा 2,16,000 का 500 cc में। तो ये एक अच्छी डील है दोस्तों, क्योंकि बाहर से भी अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो, हैंडल बार्स, फिर सीट्स, फिर इसके अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, तो इतना तक का आपको पड़ ही जाता है, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, और अगर मेरे टाइम पे 350X आया होता तो हो सकता है कि आज मेरे पास भी 350X होता। अभी तो चलो पैसे नहीं है मेरे पास तो काफ़ी अच्छी राइड रही मेरी दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को भी इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छा बाइक है ये। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो बना है कि नहीं बना। वीडियो तो बना था पर काफ़ी नीचे था इसमें कैमरा। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका रिलेटेड थंडरबर्ड के या रॉयल एनफील्ड के तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।